नेक्स्ट वीडियो हमारा व्हाट इज़ मीन्ड बाय टर्म कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस एंड रियल गैस। आइडियल गैस और रियल गैस का तो आपको पता ही है, आइडियल गैस होती है जो ओबे करती है आइडियल गैस इक्वेशन को, मतलब बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को जो ओबे करती है उसको आइडियल गैस बोलते हैं, और जो रियल गैसेस है वो आइडियल गैस को, गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल गैस बोलते हैं। तो जो रियल गैसेस हैं, रियल गैसेस जो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती हैं, तो उसके थ्रू हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। जैसे रियल गैस, रियल गैस डू नॉट ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन मैंने पहले बता दिया आपको क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब रियल गैसेस के लिए क्या होगा, ये आइडियल गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करेगी, वो भी नहीं करेगी रियल गैस, ठीक है। और जो डेविएशन है, द डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, बाय कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, जेड, जेड से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड से डिनोट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। जैसे जेड इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर टी, ठीक है। अब जैसे मैंने बॉयल्स लॉ के थ्रू आपको स्टडी करवाया था आइडियल गैस इक्वेशन की जो डेविएशन है, तो उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के थ्रू भी ये जो डेविएशन है आइडियल गैस इक्वेशन की उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ग्राफ बनाती हूँ जो किसके बीच में होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में, प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, मैं एटमॉस्फेरिक में मेज़र करते हैं जैसे कि आपको पता है। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ये हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ मान लो हम 0.5 ले लेंगे, यहाँ पे 1.5 ले लेंगे, ऐसे ऐसे। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन मैंने प्लॉट भी बताया था आपको बॉयज लॉ के थ्रू, तो ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है और पैरेलल किसके होते हैं, एक्सिस के, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है और पैरेलल किसके होगा, एक्स एक्सिस के, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन को ये प्लॉट क्या करता है, ओबे करता है। पर बाद में देखा गया कि जो आइडियल गैस थी, आइडियल गैस कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, जैसे कि मैंने पढ़ाया था आपको कि आइडियल गैस कोई भी आइडियल गैस नहीं होती, वो क्या होती हैं, रियल गैसेस होती हैं, ठीक है, तो आइडियल गैस। और इसके लिए मैं, जैसे ये तो हो गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, क्या समझते हो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से, तो ये आपको यहाँ तक लिख देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस एंड रियल गैस। आइडियल गैस के लिए तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपको पता लग गया होगा, लग गया ना पता, आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और जेड की वैल्यू मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ये इक्वेशन फॉलो होती है, और जेड की क्या इक्वेशन आनी चाहिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जो है वो 1 आती है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। फिर है दूसरा हमारा रियल गैसेस के लिए, ठीक है, फॉर रियल गैसेस,
रियल गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, पहले ही हमें पता है कि रियल गैसेस जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है, मतलब पी वी इज नॉट इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। और अगर ये ओवे नहीं करता है कि ऐसी लॉ इक्वेशन को, तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो भी इक्वल नहीं होगा वन के, ठीक है। तो इसके लिए दो इक्वेशन, दो तरह के प्लॉट बने, ये देख लो, इसको मैं बता देती हूँ पहले। इसको बोलते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन है वन, अगर इसकी ऊपर वैल्यू आती है तो इसको बोल देंगे हम पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। अगर नीचे आएगी वैल्यू तो इसको बोलेंगे हम नेगेटिव डेविएशन। तो रियल गैस के लिए क्या है, फर्स्ट है अगर जेड की वैल्यू ग्रेटर देन वन आती है, जेड की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन आती है किस केस के लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के केस के लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के केस के लिए। जैसे कि मैंने प्लॉट किया था, ये हाइड्रोजन के लिए पहले अगर प्रेशर लो होता है तो इसकी जो हीलियम है, हीलियम कैसा शो करेगा, हीलियम आइडियल बिहेव करेगा, पर जैसे ही प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, पी वी ग्राफ भी इंक्रीज होता है, ठीक है। मतलब ये वैल्यू जो हीलियम के लिए, ये रियल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। और हाइड्रोजन के लिए भी देखा था हमने, हाइड्रोजन पहले आइडियल बिहेव करता है जब इसका लो प्रेशर पे, और जैसे ही प्रेशर बढ़ाया जाता है तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन रियल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि जेड की वैल्यू अगर वन है तो आइडियल बिहेवियर करेगा, आप जेड की जो वैल्यू है वो वन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है फर्स्ट। तो ये क्या है, फर्स्ट ही फैक्टर क्या आ जाएगा कि ये पॉजिटिव डेविएशन, ये गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस है ये क्या करेगी, पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगी, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगी। दूसरा, ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये क्या है, लेस कंप्रेसिबल है, लेस कंप्रेसिबल है, ठीक है। और तीसरा, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू कि ये कंप्रेसिबल होगा, तो ये क्या है, लेस कंप्रेसिबल है। और तीसरा है, ये इजीली लिक्विफाइड भी नहीं होता है, दे कैन नॉट बी ईजिली लिक्विफाइड, ठीक है, ईजिली लिक्विफाइड नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि जैसे ये गैस के मॉलिक्यूल है, मान लो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल इस साइड को जाएगा तो एक इस साइड को जाएगा, इसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से इसमें क्या है, जो गैसेस है वो लेस कंप्रेसिबल है और इजीली लिक्विफाइड भी नहीं होती हैं, मतलब फोर्थ इसमें लिख सकते हैं हम कि स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस हैं इसमें, रिपल्सिव फोर्सेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। ये तो हो गया अगर जेड की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, तो उस केस के लिए तो हो गया कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, लेस कंप्रेसिबल है और इजीली लिक्विफाइड नहीं होता है, और इन जो गैस मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, ये हीलियम के, उसमें स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है। अगर केस है जेड अगर लेस देन वन है, जैसे हमने कौन सा केस देखा था, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन का केस देखा था, ठीक है। तो जैसे इस प्लॉट में बताती हूँ मैं आपको, जैसे अगर प्रेशर क्या है, वन है, और यहाँ पे अगर प्रेशर क्या होता है, पहले मिनिमम होता है, फिर आइडियल गैस बिहेवियर को शो करेगा, फिर जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा तो ये जो कर्व है कार्बन मोनोऑक्साइड की, ये भी इंक्रीज होती रहेगी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। वैसे ही ये हो गए कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, और दूसरा केस लेते हैं हम मीथेन के लिए,
तो इस तरह से ये प्लॉट बनता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो जेड की वैल्यू है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव शो हो रही है, ठीक है। तो ये गैसेस क्या करती है, नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव डेविएशन शो करती है। सबसे पहला क्या आ गया कि ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है। दूसरा, अगर जेड की वैल्यू लेस देन वन है तो जो गैस है वो मोर कंप्रेसिबल है। गैसेस जो कौन कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस, ये क्या है, मोर कंप्रेसिबल है, मोर कंप्रेसिबल, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा इसमें कि ये इजिली लिक्विफाइड भी हो जाती है, दे कैन इजिली लिक्विफाइड क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन के जो गैस मॉलिक्यूल हैं उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्यों होते हैं ये इजिली लिक्विफाइड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।